नमस्कार, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो आज हम बात करते हैं कि जो राजस्थान टीचर वैकेंसी है उसका ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी SSO ID को ओपन कर लेना और रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको क्लिक करके यहाँ पर इस डैशबोर्ड पर आ जाना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। फर्स्ट में आपको लेवल क्लास फर्स्ट से पाँचवीं तक और यहाँ पे लेवल सेकेंड में कक्षा 6 से 8 तक आपको देखने को मिलेगा। लेवल फर्स्ट में केवल आपको लेवल फर्स्ट के लिए फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपको सेम टू सेम प्रोसेस जो लेवल सेकेंड का है वहीं आपका फर्स्ट का होगा। तो हम यहाँ पर लेवल सेकंड का फॉर्म फिलअप करके आपको बता रहे हैं किस तरह से फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको जिस सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप करना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे टीचर लेवल सेकेंड में होगी। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें आपको रीट लेवल है आपके कौन सी लेवल है, हमारे यहाँ पे सेकंड लेवल। अगर आपके यहाँ पे बोथ लेवल है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम सेकंड लेवल सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको कौन सी ईयर में पास की वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और जो आपके रीट के रोल नंबर थे वो आपको यहाँ पर डालने हैं और गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ देर टाइम लगेगा, फेच हो जाएगी और आपकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पे जो आवेदक का नाम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो जेंडर है वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद पिता का नाम आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक जो रीट एग्ज़ाम में आपका फिलअप था वो मिल जाएगा। इसके बाद माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको कौन सी श्रेणी है आपकी, SC ST कौन सी लेयर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर विशेष योग्यजन है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, अन्यथा आपको नीचे आके नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना जो धर्म है वो चूज कर लेना है। तो हम यहाँ पे हमारा जो धर्म है वो चूज कर लेते हैं। वैवाहिक स्थिति अगर मेरिड है तो मेरिड चूज कर लीजिएगा। हम यहाँ पर अनमेरिड चूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको जो जीवित बालक की संख्या है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको यहाँ पे, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पे जो बच्चों की डिटेल्स है वो दे देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर आपको फिलअप करने हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं और आप अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। इसके बाद अप्लाइंग के लिए आपको, आवेदन के लिए आपको यहाँ पर बोल रहे कि आप अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको यस कर देना है और अपनी डिटेल्स जो है फिल कर देनी है। हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं। पोस्ट की श्रेणी आप जनरल एजुकेशन या स्पेशल से हैं या दोनों से हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम जनरल एजुकेशन से हैं तो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो अपना एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। यहाँ पर आपको अपनी नेशनलता चूज कर लेनी, राष्ट्रीयता तो हम यहाँ पे इंडियन चूज कर लेते हैं। यहाँ पे अपना जो राज्य सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका गृह जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा जिला है आपका। तो हमारा यहाँ पे सीकर है तो हम सीकर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपसे क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर हैं तो आपको यस कर देना है और आपकी अन्य डिटेल्स फिलअप कर देनी है। तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं फिलअप। इसके बाद क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिएगा। मौजूदा सरकार में आप कर्मचारी हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिएगा। क्या आपके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 से कम है तो आपको यहाँ पे, अगर है तो आपको यस कर देना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं और इसके बाद नीचे आना है। क्या आप कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देते हैं। अगर आपकी एज 40 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो आपको यहाँ पे, अगर एज रिलेक्शन चाहिए तो आपको इनमें से सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे नहीं चाहिए अभी,
नोट अपील के बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। अब यहाँ पे आपको इन केस ऑफ डिस्पेंसरी इस पर आपको जो चेक मार्क है उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने 10th क्लास की जो मार्कशीट है यहाँ पर विशेषण वो फिलअप कर देना है, स्कूल का नाम फिलअप करना है, रोल नंबर कौन से थे वो आपको फिलअप कर देना है, ग्रेड थी, परसेंटेज या जो है वो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेरे परसेंटेज थी कौन सी ईयर में पास की वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद कितने परसेंट आए वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह आपको जो या तो आप सेलेक्ट जो सेकेंडरी 12th क्लास की डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं या ग्रेजुएशन की फिलअप कर देते हैं तो भी यहाँ पे चलेगा। इनमें से जो भी हैं आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर विषय समूह कौन सा था वो सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा कॉलेज था या यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, परसेंटेज, कौन सी ईयर में आपने पास की और कितने परसेंटेज है पास की वो आपको सेलेक्ट कर लेना। अब तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा किस चीज़ का है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। अगर आपके पास 1 ईयर बैचलर एजुकेशन डिप्लोमा है या सेकेंड ईयर जो भी है आपके पास वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो समूह है और यूनिवर्सिटी कौन सी थी, रोल नंबर आपको फिलअप करना है, कितने परसेंटेज थे या ग्रेड थी, कौन सी ईयर में आपने पास की, कितने परसेंट थे वो आपको यहाँ पे फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे आप डिटेल्स फिलअप कर देते हैं क्वालिफिकेशन की तो आपको यहाँ पे अपनी जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है दोनों आपको अपलोड करने होंगे। तो फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड फोटो सिग्नेचर जैसे अपलोड कर देते हैं आप तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो है प्रीफ्रेंस में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा आप सबसे पहले प्रीफ्रेंस देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा सबसे पहले गया जिला सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको 1 बाय 1 करके सभी ज़िले आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है उसको आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। आपको इसको एक बार अच्छी तरह से प्रीव्यू कर लेना है और आपको यहाँ पे नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको जो फॉर्म एकदम बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है और आपको इसकी जो पेमेंट है वो आपको अपने अकाउंट से डेबिट कर देनी है। इस तरह से आप ये फॉर्म अच्छी तरह से फिल कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्य जानकारी के लिए हमें कमेंट कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।